दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर आप शिव जी को देख रहे हैं जिस ग्रीन टप्पे पे बैठे हो, वहाँ पर नंदी बैल जिस पे शिव जी बैठे होते हैं, जो उनका वाहन होता है, वो ग्रीन टप्पा की जगह पे नंदी बैल बना दिया जाता है। तो ऐसा लगता है कि शिव जी बैल की सवारी कर रहे हैं और ग्राफिक्स में उसको अच्छे से मॉडिफाई करके सब ओरिजिनल टाइप का बना देते हैं। तो इस तरह से हम लोग शूटिंग करते हैं जब शिव जी का नंदी बैल के साथ शूटिंग करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सारे कैमरे लगे हुए हैं, कैमराज 3-3 कैमरे लगे हुए हैं और इस तरह से शिव जी की शूटिंग की जा रही है कि वो नंदी बैल पे बैठ के सवारी करके आए हुए हैं और फाइट सीक्वेंस की शूटिंग हो रही है, फाइट कर रहे हैं, ऐसा शूटिंग किया जा रहा है। तो 3-3 कैमरे के साथ शूट किया जा रहा है और शिव जी का देखिए एंग्री रूप आप लोग देख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को ये इनका रूप अच्छा लगा होगा, क्योंकि शिव जी जब क्रोधित होते हैं तो पूरी धरती कांप उठती है। और यहाँ पर देखिए इनका एक्शन सीन का जो है कुछ सीन शूट किया जा रहा है। इनके अपोजिट में आप यहाँ इनको अकेले देख रहे हैं, क्योंकि एक ग्रीन कपड़ा है। इनके अपोजिट में कोई असुर रहेगा जिनको बाद में शूट करके ऐड कर दिया जाएगा, तो लगेगा दोनों साथ में लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन टीम इनको बता रही है कि त्रिशूल का मूवमेंट कैसे करना है, उसको कैसे एक्शन में लाना है। और इस तरह से एक्टर्स को डायरेक्शन टीम गाइड करती है पूरी तरह से, चाहे वो डायलॉग्स डिलीवरी हो, एक्शन सीन हो, बॉडी लैंग्वेज हो, तो कितने बड़े आर्टिस्ट क्यों ना हो, उनको डायरेक्शन टीम की आवश्यकता पड़ती ही है। यहाँ पर देखिए मस्ती भी होती रहती है। आप लोग प्लीज़ एक लाइक कीजिए और कमेंट में कुछ अच्छा सा लिखिए महादेव के बारे में जो आपको अच्छा लगे। और चैनल पर अपने नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ दिखाता रहूँगा, बस आप जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।